हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी बाय रेनो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी चिकन करी रेसिपी, और जो जिसमें कि मेरा ट्विस्ट है, ढाबा स्टाइल और रेनो स्टाइल दोनों का मिक्सचर है। एंड इट्स समथिंग डिफरेंट, वेरी टेस्टी, और मुझे पूरा एश्योरेंस है कि आपको और आपके परिवार वालों को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। ग्रेवी के लिए हमारे इंग्रेडिएंट्स रहेंगे ये 3 बड़े प्याज, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 5 टमाटर, 2 हरी मिर्च, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, कसूरी मेथी, 1 चम्मच नमक, ये 1 चम्मच फेनल और 1 चम्मच खड़ा धनिया है जिसको मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया है, 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच MDH मीट मसाला और 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, और ये 1 टीस्पून दही मिर्च पाउडर है, ये कलर के लिए है, कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें भी आप प्रेफर करें बनाना। अब हमने क्या करना है, ये चिकन को पहले अच्छे से वॉश करके, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, नमक और 1 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ इसमें, इसको अच्छे से एक मिक्स देके साइड में रख दीजिए ढककर। मसाला अब रेडिश हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, इसमें हमने जो फेनल और सौंफ और जो खड़ा धनिया था ग्राइंड किया हुआ वो डाल के एक अच्छा सा मिक्स कर देंगे। एक कटोरी में आधी कटोरी पानी लेके उसमें हल्दी, लाल मिर्च, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको, और इसे डालकर मिक्स कर देंगे और घी छोड़ने तक इसको थोड़ा भून लेंगे। दही का थोड़ा पानी सूख जाएगा तो हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। अगर आप इतनी क्रंची ग्रेवी नहीं पसंद करते तो आप जो टमाटर और प्याज की पेस्ट है जब वो भून जाए तो उसको ठंडा होने पे आप पीस के भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से भून गया है, देखो पानी बिल्कुल सूख गया है दही का और घी छोड़ गया है मसाला। अब हमने इसमें 2 गिलास पानी गरम करके डालना है। ठंडा पानी डालने से जो मीट है ना वो कई बारी चिकन जो है वो हार्ड हो जाता है, तो हमेशा पानी जो भी डालना है आपने ग्रेवी बनाने के लिए तो गरम करके ही डालो। जितनी आप थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला है क्योंकि मैंने ये राइस के साथ बनाई है चिकन करी। अगर आप चपाती के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं। अब हमने इसको कुकर में ट्रांसफर करके एक विसल दिलवा देनी है। मैं
मैं इसको कुकर में ट्रांसफर करने लगी हूँ। इसको एक विसल आने तक गैस पे चढ़ा दूँ। दो विसल्स आ गई हैं और उसके बाद मैंने कुकर को ठंडा होने दिया। कुकर ठंडा हो गया, मैं इसको खोल रही हूँ। वाओ, क्या प्यारा कलर है। अब हमने इसमें क्या करना है, गरम मसाला थोड़ा सा मैं बाउल में डाल के डालूंगी, कसूरी मेथी क्रश की हुई, थोड़ा सा हरा धनिया हमने बीच में डाल देना है, थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। चिकन के पीस को आप चेक कर लीजिए फॉर्क की हेल्प से, ये बड़े अच्छे से पीसली जा रही है। दैट मीन्स चिकन गल गया है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। चिकन करी बनकर बिल्कुल तैयार है। क्या देखिए कलर आया है इसका ब्यूटीफुल, और क्या फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। मेरी फैमिली वाले तो रुक नहीं पा रहे हैं, तो चलिए सबको खिलाते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।